मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। विषय है बीएड E10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें जेंडर अध्ययन के विषय में हम चर्चा करेंगे। जिसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों इस विषय की और इस इकाई की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें इस कोर्स में पढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि हम एक बेहतर दुनिया और समाज के निर्माण में अपने शिक्षा को साधन बनाकर प्रयोग करते हैं। इन परिस्थितियों में हमको शिक्षा के उन महीन बिंदुओं की जांच करनी पड़ेगी जिसमें शिक्षा की पहुंच या शिक्षा में जिन लोगों की, चाहे वो कोई वर्ग हो, वर्ग विशेष हो, लड़के लड़की हो या कोई और वर्ग हो, तो उनकी पहुंच क्यों नहीं है। अगर शिक्षा एक संसाधन है तो उस संसाधन को उन लोगों तक उसकी पहुंच क्यों बाधित है, उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें आज का जो विषय है वो विशेष रूप से हम आधारित करेंगे, आधारित है भी, ऑलरेडी पहले से ही आधारित है, कि वह जेंडर, जो जेंडर डिस्पैरिटी है किसी न किसी रूप में, उसकी चर्चा करेंगे, जिससे यह समझ सके कि लड़के लड़की, महिला पुरुष या अब तो तीसरा जेंडर भी है, इनमें शिक्षा के संसाधनों का प्रयोग, उसका उपयोग, उसके द्वारा वह समाज में निर्माण की प्रक्रिया में, समाज के निर्माण की प्रक्रिया में, देश के निर्माण की प्रक्रिया में, दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया में, या जो दुनिया में व्याप्त समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए उनकी क्या उपयोगिता है, इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। यह विषय वस्तु पृष्ठभूमि है इस विषय की, जिसमें जेंडर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आज मुख्य रूप से इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं जेंडर अध्ययन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे मित्रों कि कब से शुरू हुआ जेंडर अध्ययन, प्रारंभ कब से हुआ, क्यों नहीं प्रारंभ हुआ शुरू से, ये लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा पूरी दुनिया में एक साथ क्यों नहीं दी गई, किन कारणों से, और शुरू भी हुआ तो कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इस पर चर्चा होगी, जिसे जानने का प्रयास करेंगे। आप जैसा कि इसमें आप देखेंगे लिखा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उस समय की परिस्थितियों में, सामान्य हमारे कार्य व्यवहार में, वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ऐतिहासिक रूप से जैसे जैसे हम आगे बढ़े उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में वैदिक पीरियड में भारतीय समाज में जहाँ तहाँ यह लिखा मिलता है कि महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार है, उसके उदाहरण भी हैं, तमाम विदुषी महिलाओं के बारे में कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में भी है, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें आडंबरों की वजह से या और किन्हीं कमियों की वजह से या तत्कालीन परिस्थितियों की वजह से उसमें धीरे धीरे गिरावट आ गई। लेकिन एक बात निश्चित है, वो ये है कि अपेक्षाकृत महिलाओं की उपस्थिति वैदिक पीरियड से लेकर और पिछले कुछ दशकों तक, आज की बात तो बदल गई है, पिछले कुछ दशकों तक भारतीय वांग्मय में, भारतीय परिस्थितियों में महिलाओं की भागीदारी प्रायः पुरुषों की अपेक्षा कम रही है। यह बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह बात पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में उपस्थित है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ इस तरह की असमानता व्याप्त थी। और अफ्रीकी जैसे देशों में और जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो जिसमें अफ्रीका भी आता है और भारत भी आता है, हमारा लगभग 128 देश जिन पर यूरोपियन शासकों ने देर सवेर 100 200 400 साल तक शासन किया है, वहाँ निश्चित रूप से दोनों जेंडर के बीच में असमानता है। तो यह आज भी व्याप्त है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ संपन्नता कम है, गरीबी है, संसाधनों की कमी है, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, शासन की प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है,
कुछ धार्मिक आग्रह भी हैं, कुछ धर्मों में महिलाओं को पढ़ने से या तो बाधित किया जाता है या तो रोका जाता है। हमारे बगल का एक देश है अफगानिस्तान में, वहाँ पूरी तरह से सरकार इस काम के लिए लगी रहती है कि वह महिलाओं की शिक्षा को रोक दे, हैम्पर नहीं करे, रोक दे, समाप्त कर दे किसी तरह वो महिला से। तो दुनिया में इस तरह की व्यवस्था व्याप्त है। अब इन परिस्थितियों में महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा को आगे ले आने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। और ये तो आप समझ ही रहे हैं जैसी चर्चा हम कर रहे हैं कि पीछे से काफ़ी दिनों से बाधित थी और पूरी दुनिया में थी, कम या ज़्यादा, भारत में थोड़ा ज्यादा, भारत में अपेक्षाकृत और लोगों से, अफ्रीकी देशों से अच्छी थी लेकिन यूरोपियन से कम थी। ऐसी परिस्थितियों में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर कब शुरू हुआ, कब इन समानता की तरफ ऐतिहासिक रूप से काम शुरू हुआ, अकादमिक रूप से काम शुरू हुआ, साहित्य में काम शुरू हुआ, यह जानने का हम प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि 1900 बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें सांस्कृतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, कहीं कहीं आर्थिक और भूभौगोलिक कारण भी हैं जो महिलाओं की शिक्षा को बाधित करते रहे हैं। कुछ समाजों के जो बंद समाज हैं जिसमें रूढ़ियाँ और अंधविश्वास ज़्यादा हैं, वहाँ यह एक परंपरा में और अंधविश्वास के कारण रोक दिए गए, बाधित कर दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों के बराबर या लड़कियों की शिक्षा को बालकों के बराबर, लड़कों के बराबर ले जाने में बराबर कठिनाई रही। उसमें संस्कृत भी है, धर्म भी है, परंपराएं भी हैं, अंधविश्वास भी है, भूभौगोलिक स्थिति भी है, आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, और इसके अलावा, इन सब कारणों के अलावा उसकी जो शारीरिक बनावट है, जैव शारीरिक लक्षण को भी दुनिया के सारे समाजों ने आधार बनाकर उसको कमतर आंका, उसको पीछे किया, उसको पढ़ने से रोका। इन परिस्थितियों में आप देखें कि उसकी उपस्थिति समाज में सदैव रही, लड़की की उपस्थिति, नारी की उपस्थिति समाज में सदैव रही, लेकिन उसमें अधिकार संपन्नता की कमी रही, उसके पास उत्तरदायित्व ज़्यादा थे, यह समाज ने प्रायोजित तरीके से उसके जिम्मे यह डाला। और आप ये देखेंगे कि एशिया में, दक्षिण एशिया के देशों में, जैसे ये तीन देश तो हमारे बगल में ही हैं, हम जो हमसे अलग हुए हैं, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, वहाँ कुछ धार्मिक आग्रहों के कारण लड़कियों की पढ़ाई प्राय बाधित होती रहती है, लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हैं और दोनों की शिक्षा में समानता लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह पीछे इसलिए रही कि इन कारणों से या उनको रोकने का, ये प्रायोजित रूप से बाधाएं तैयार की गई, या कोई प्राकृतिक रूप से बाधाएं नहीं थी, समाजों ने प्राकृतिक रूप से, लेकिन सबके पीछे एक आधार था, लड़की का या महिला का या किसी और जेंडर का, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक क्षमता जो उसकी प्रकृति प्रदत्त है, उसको हम अपने हिसाब से उसकी एनालिसिस करने लगे, जिसके कारण ये परेशानियां हमारे सामने खड़ी हुई। और हमारा पूरी दुनिया का आधी आबादी इसमें पिछड़ती चली गई, जिससे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि पुरुष जो था वह अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग दुनिया को आगे बढ़ाने में करता रहा, लेकिन महिला को कुछ विशेष कार्यों तक, हालांकि उसने बड़े महत्वपूर्ण काम किए, जो भी कार्य उसको दिया गया दुनिया में उसने अपने हिस्से के बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए, जो आवश्यक भी था, अनिवार्य भी था, हो सकता है वो पुरुषों से न होता उस तरह जिस तरह महिलाओं ने किया, लेकिन शिक्षा एक ऐसा संसाधन है, अगर वह उसको प्राप्त होता तो केवल उस महिला का, उस बच्ची का, उस लड़की का या किसी और जेंडर का ही एम्पावरमेंट नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया का एम्पावरमेंट होता और पूरी दुनिया जो आज दिख रही है उससे बेहतर होती। लेकिन चलिए, उसकी बात तो गई, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। आप देखें आगे क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी जेंडर शब्द का
जो अर्थ है इसकी आवश्यकता कि हमें पढ़ने की क्यों पड़ी। मैंने तो पीछे चर्चा की कि ऐतिहासिक रूप से इस तरह लड़कियां पिछड़ती गई, अब हमने सोचा कि जेंडर अध्ययन एक विषय के रूप में इसको पढ़ें, जो यह समानता व्याप्त है दोनों में पुरुष और महिलाओं में, इसको एक विषय के रूप में जाने। तो हमने सोचा या दुनिया ने सोचा या शिक्षाविदों ने सोचा कि उस शब्द का अध्ययन करें, उस बात का अध्ययन करें जिसको आधार बनाकर महिला और पुरुष को अलग करके अधिकारों और उत्तरदायित्वों में अंतर किया गया, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। आप देखें, या जो हम रोज की भाषा में जेंडर को सेक्स की जगह या लिंग की जगह प्रयोग करते हैं वह चीज़ें नहीं हैं। अगर जब हम बात करते हैं, अब इसको समझने का हम प्रयास करें, पूरी दुनिया के लड़कियों महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक बनावट की 100% एक तरह की है, और शारीरिक लक्षणों के आधार पर वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में महिला और पुरुष के एक निर्धारित क्षमता है, उस क्षमता का प्रयोग करके चाहे यूरोप की महिला हो, चाहे भारत की महिला हो, चाहे अफ्रीका की महिला हो, चाहे कहीं की भी हो, किसी भी महाद्वीप की, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी परिवार की, किसी भी अंचल की, किसी भी धर्म की, किसी भी समुदाय की महिला का उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो प्रकृति ने उसे शक्तियाँ प्रदान की हैं, मातृशक्तियाँ, मातृत्व जो प्रदान किया है, उसके आधार पर संतानोत्पत्ति में उसकी जैसी एक जगह भागीदारी है वैसी दूसरी जगह भी भागीदारी है। जिस तरह बच्चों का पालन पोषण, अपने घर गृहस्थी की देखभाल या और तरह के जो कार्य हैं, वह चाहे कहीं की गरीब अमीर आगे पीछे पढ़ी लिखी जो भी महिला है वह एक तरह का कार्य करती है, संतानोत्पत्ति में उसकी भूमिका प्रकृति ने निर्धारित कर दी है, उस निर्धारण में हम कोई परिवर्तन किसी तरह नहीं कर पाते हैं। ये हुआ उसका सेक्स, इसको कहते हैं हिंदी में लिंग। लिंग का मतलब हुआ कि वह एक शारीरिक रूप से उसके शारीरिक लक्षण यह है, पुरुष के यह हैं और महिला के यह हैं। अब जेंडर क्या है? अब अगर सेक्स ही जेंडर होता तो वो आप इसको ऐसे समझें, तब तो जो अधिकार उसको यूरोप में मिले हैं, जो उसकी सांस्कृतिक उपस्थिति यूरोप में है, अमेरिका में है या और विकसित देशों में है, स्कैंडिनेविया में है, वहाँ के देशों में है, वैसी ही स्थिति यहाँ भी होती, मतलब हमारे देश में होती, बगल के देश में होती, दक्षिण एशिया में होती, एशिया में होती, कहीं भी होती पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अधिकारों में भारत में दूसरा है, इंग्लैंड में दूसरा है, जबकि हम उसी से शासन सत्ता ग्रहण किए हैं, उसी की तमाम नीतियों और प्रीतियों को हमने अपने समाज में और राज में समाहित किया है, लेकिन वहाँ जो महिला की स्थिति है वो यहाँ की महिला से स्थिति, उसके अधिकार, उसकी संपन्नता, उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसकी सांस्कृतिक उपस्थिति, उसकी राजनीतिक उपस्थिति, उसकी परिवार में स्थिति, सब भारत की या तीसरी दुनिया के देशों से या एशियाई देशों से, अफ्रीकन देशों से बेहतर है, अलग है, बेहतर हो ना हो अलग है, उसके पास अधिकार बराबर के हैं, दोनों के अधिकार यूरोपियन देशों में बराबर के हैं, महिला और पुरुष के। हम प्रयास करके दोनों का अधिकार बराबर करना चाहते हैं, तो जो ये सांस्कृतिक अंतर है दोनों में, सामाजिक अंतर है, तो उसको जेंडर कहा जाता है जिसको हम संबोधित करते हैं, ना कि उस सेक्स को या लिंग को इसलिए नहीं कहा जाता कि उसमें तो समानता है, उसमें महिला की क्षमता का हर जगह समानता है, लेकिन अधिकारों में उत्तरदायित्वों में यह समानता नहीं पाई जाती है। समानता नहीं पाई जाती है तो इसका जो संबोधन है उस समूह का, जैसे जेंडर की इक्वलिटी जो है वह यूरोप और अमेरिका में, उसमें गैप कम है, गैप तो वहाँ भी है, गैप लेकिन कम है पुरुष और महिला के बीच में, लेकिन हमारे यहाँ तमाम ऐसे निर्णय, जैसे संपत्ति का अधिकार है 2004 के पहले भारत में महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, वह अपने जहाँ जाएंगी, जहाँ उनकी शादी होगी, जिस नए परिवार में जाएंगी वहाँ अधिकारी होंगी, हमारे अपने जो उसका पैतृक घर है जहाँ से वो जाएगी वहाँ वो अधिकार से वंचित थी, लेकिन 2004 के बाद
बिल आया जिसमें उसको दोनों जगह अधिकार प्राप्त हैं, उसकी इच्छा दोनों जगह ले, नहीं इच्छा है दोनों जगह संपत्ति में अधिकार नहीं ले। जब तक महिला सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगी तब तक उसकी निर्णय में भागीदारी कम होगी। जब निर्णय में भागीदारी कम होगी तो समाज में उसकी उपस्थिति कम होगी। उपस्थिति कम होगी तो तमाम ऐसे क्षेत्र है जो प्रभावित होंगे। अभी हाल में देश की संसद में एक कानून आया है, महिला आरक्षण बिल। प्रयास करके सरकारें चाहती हैं कि 33% भागीदारी महिलाओं की हो, या इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, जबकि और जो विकसित देश हैं वहाँ यह स्वतः लागू है। तो हमारी परिस्थितियाँ, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेकिंग प्रोसेस में हैं, हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, यह समाज अपनी दौड़ में स्वतंत्रता के बाद ही कुछ शिक्षा के क्षेत्रों में प्रगति कर पाया, वही प्रगति जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि जब ये स्वतंत्र हुए हैं देश तो अपनी नीतियाँ लागू की हैं, समाज के अंधविश्वासों को कम किया है, तार्किक शक्तियाँ बढ़ाई हैं। आगे देखते हैं क्या है, क्या है संप्रत्यय, एक महिला और एक पुरुष की जय। मैंने जो पीछे चर्चा की है आपसे कि यह विषय जो है मूल रूप से समाज विज्ञान का, समाज शास्त्र का विषय है, जेंडर अर्थ और उसका संप्रत्यय मूल रूप से समाज शास्त्र का और मानविकी का, मतलब भाषाओं का, जिसमें इसका संबोधन है, जिसमें इसके रिश्तों को तय किया जाता है, लेकिन इसका संबंध और भी विषयों से है। जैसे इसी कारण इस विषय को हम अंतर अनुशासनिक विषय कहते हैं। आप देखें, शारीरिक लक्षणों के आधार पर विभिन्न समाजों में इनके अधिकारों में अंतर पाया जाता है। संदर्भ में संस्कृत परंपरा की तरफ, विश्वास की तरफ इंगित करता है। ऐसे में महिला के सामाजिक अभ्यास पर पुरुष एवं महिला को अलग अलग अधिकार देते हैं, जो इस प्रकार संकेत करता है कि जेंडर एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रत्यय है। मैं यहाँ आपको बता दूं, जिसके पीछे भी मैंने चर्चा की है, कि जब जेंडर हम कहते हैं उसमें उसका हिंदी में कोई इस तरह का शब्द नहीं है, हमने उसको सीधे उसी तरह जेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया है। कहीं कहीं विद्वानों का कहना है कि इसको शालिंग कहते हैं, सालिंग कहते हैं, मतलब कि, लेकिन वो प्रयोग में नहीं है। हमने जैसे पेट्रोल, डीजल और भी शब्दों को सीधे अंग्रेजी से स्वीकार कर लिया है, लगभग, अगर पूरी तरह नहीं कहा जाए तो लगभग बोलचाल की भाषा में, लिखने पढ़ने की भाषा में जेंडर को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रत्यय है, जो कहीं से भी सेक्स और लिंग नहीं है। सेक्स और लिंग को की बात जब आती है तो उसका यह मतलब है कि किसी एक महिला के शारीरिक लक्षणों के आधार पर उसको आप संबोधित कर रहे हैं, और जब आप जेंडर कहते हैं तो उसकी संस्कृति और उसके समाज का वो संबोधन है जेंडर। तो दोनों में अंतर हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या महत्व है, क्यों हम जान लें जेंडर अध्ययन, हम क्यों करें। सर्वप्रथम ये जो चर्चा मैंने की है, यह चर्चा समाज में थी लेकिन यह कहीं विमर्श में नहीं आ रही थी। विमर्श का मतलब कि ना हमारे लिखने पढ़ने में आ रही थी, ना हमारे साहित्य में आ रही थी, ना हमारे राजनीतिक विमर्शों में आ रही थी, या हमारे सामान्य कार्य व्यवहार में कहीं दिख रही थी। हमने कम या ज़्यादा अधिकारों, जैसे पुरुष के पास ज़्यादा अधिकार है, महिला के पास कम अधिकार है, उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया था, स्वतः स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, तो ऐसे ही होता है, या ऐसे ही होता है और ये चलता रहता है, सदियों से चल रहा है। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, केवल अपने भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जो देश गुलाम थे वहाँ की भी बात कर रहा हूँ, जो देश अमीर और संपन्न थे वहाँ की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन सर्वप्रथम 1960 और 70 के दशक में जिसे फेमिनिज्म का सेकेंड वेव कहते हैं, फेमिनिज्म मतलब महिला अध्ययन या महिला संबंधी बातों की या चर्चा की या उनके अधिकारों की पैरवी करने वालों की बातों की, 1960 में सर्वप्रथम एक पुस्तक आई फ्रांस में, सिमोन द बुआ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी सेकंड सेक्स। सेकंड सेक्स का मतलब है कि दूसरा, जो वही वो कह रहे हैं, जेंडर की बात कर रहे हैं, मतलब वह संबोधित करना चाहते हैं सांस्कृतिक रूप से सेक्स को जेंडर के रूप में।
बाद में वो डिसाइड हुआ, बाद में कहा भी गया। और एक और भी आए, केट मिलेट, वो आगे में, आगे वाली स्लाइड में है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने साहित्य में उन महिला पात्रों की रचना की जिनको कि अधिकार समाज के द्वारा प्रयोग में उनको नहीं दिया गया था, वो प्रयोग में नहीं ला पा रहे थे। वह अधिकारों से विपन्न थी, अधिकारों में कम थी, उनका अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उनकी पहचान की और एक समस्या के रूप में उसे पहचाना और अपने साहित्य में उसको ले आए। अब बाद में ये केट मिलेट ने भी यही काम किया और फिर बाद में बहुत साहित्यकारों ने उधर की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया। यहाँ मैं बताते चलूँ आपको कि आज भी यूरोप और अमेरिकी समाजों में जो संपन्न समाज है या हमारे देश में जो संपन्न वर्ग है, अब नेट की दुनिया आने के बाद, मोबाइल का आविष्कार या जो इस तरह की आईसीटी के प्रयोग के बाद जो पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन हुआ है, अगर उसको छोड़ दें तो आज भी पुस्तकें दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। पुस्तकों के पढ़ने से तमाम तरह के परिवर्तन लोगों के व्यक्तिगत जीवन सहित समाज और देश दुनिया पर होता है। वह मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईसीटी के प्रयोग से यह नहीं होगा, आईसीटी के प्रयोग से भी होगा, लेकिन पुस्तकों का अपना मतलब, तो उन दिनों की बात 1960 के दशक की कर रहा हूँ, उस समय यूरोप और अमेरिका में किताबें पढ़ी जाती थी, भारत में भी पढ़ी जाती थी। भारत में मुख्य रूप से हमारी धार्मिक पुस्तकों का बोलबाला था और जिससे तमाम बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, रामचरितमानस और वेदों से और उत्तर वैदिक कालिसाए उपनिषदों से, अरण्यक से और पुराणों से, ऐसा नहीं, लेकिन वो पढ़े जाते थे। अब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 60 और 70 के दशक में, जिस पुस्तक को सिमोन द बुआ ने लिखा उसने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और इस पर और भी साहित्य लिखे गए। जाहिर सी बात है कि जब समाज में कोई पुस्तक बड़ी पॉपुलर होती है, कोई विमर्श बहुत चर्चा में होता है, तो उस विमर्श पर सरकारों का ध्यान जाता है, नीति निर्माताओं का ध्यान जाता है, नीति नियंताओं का ध्यान जाता है, तो उन समस्याओं को पहचानने की कोशिश की जाती है। अब जब पहली बार साहित्य में आया तो विमर्श के केंद्र में आया, विमर्श के केंद्र में आया, यह बात यूरोप और अमेरिका की है, लेकिन वो पूरी दुनिया में विद्वान अपनी बात फैलाते रहे और पूरी दुनिया में सनई सनई यह बात फैलती रही। तो वहीं से समाप्त, इस पक्षपात को समाप्त करने का प्रयास किया गया और आगे की नीतियां बनाई गईं। आप देखेंगे आगे कि इसमें हम, इसकी उपयोगिता क्या, क्यों हम पढ़ेंगे, हम इसको क्यों पढ़ेंगे। अब उन कारणों की, इसको पढ़ने के पीछे एक उद्देश्य है, उन कारणों की जांच के लिए कि किसकी वजह से, किन कारणों की वजह से महिला अधिकारों में पिछड़ती गई और उत्तरदायित्वों में आगे उसको आगे रखा गया, निर्णय लेने की क्षमता में उसको पीछे रखा गया, कहीं कहीं तो उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, एक व्यक्ति के रूप में वह समाज में और परिवार में केवल उसकी उपस्थिति थी और कुछ धर्म धार्मिक आग्रहों के कारण तो कुछ संतानोत्पत्ति तक ही सीमित रहती थी, कमोबेश वो सारे समाजों में थी। लेकिन यह बहुत दिनों तक, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यह बहुत दिनों तक नहीं रही बात, इसमें परिवर्तन हुआ जब साहित्यकारों ने, शिक्षाविदों ने इस पर विमर्श प्रारंभ किया। आप देखिए कि हम जब उनके संबंधों की बात करने लगे, महिलाओं की जब चर्चा हमने अध्ययन में उसको लाने की कोशिश की, 1960 से लेकर 1970 के दशक तक केट मिलेट ने भी इसका प्रयोग किया, अपने साहित्य में इन पात्रों का चयन किया और उन्हें आगे बढ़ाया, सिमोन द बुआ की बात हमने किया ही, ऐसे अब तमाम साहित्यकारों ने इसको चर्चा में ला दिया। तो जब वह अमेरिका और इंग्लैंड के समाजों में, फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस में, यूरोप में और अमेरिका में जब इसका एक अध्ययन के रूप में इसको मान्यता दी गई विश्वविद्यालयों में और बाकायदा स्त्री अध्ययन शुरू हुआ, जब स्त्री अध्ययन शुरू हुआ तो 1990 का दशक आते आते लोगों के मन में बात आई कि केवल महिलाओं का ही क्यों अध्ययन किया जाए, पुरुषों का भी अध्ययन किया जाए। तो एक विषय के रूप में पुरुष अध्ययन भी शुरू हुआ और एक विषय के रूप में
विदेशी विश्वविद्यालय, भारत के भी विश्वविद्यालयों में विदेशी विश्वविद्यालयों अध्ययन प्रारंभ हुआ, पुरुष अध्ययन और महिला अध्ययन। अब दो, जब दो स्ट्रीम ये चल गई, दो अध्ययन प्रारंभ हो गए, तो इन दोनों अध्ययनों में जाहिर सी बात है कि दोनों के निष्कर्षों का एक दूसरे से तुलना होगी, दोनों को निष्कर्ष एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। तो अब यह लगा कि अब ये बार बार इसको अलग से पढ़ा जाए, इसको अलग से पढ़ा जाए, तो बेहतर हो कि एक दोनों के संबंध पर, जेंडर संबंध पर ही अध्ययन किया जाए। तो एक अभी कमोबेश एक और विषय इन इन बिंदुओं से एक विषय और निकल के आया जिसे कहते हैं जेंडर संबंध अध्ययन। वह अब इन जो एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडवांस स्टडीज़ के सेंटर हैं, जो उच्च शिक्षा के केंद्र हैं, उसमें इन दोनों के संबंधों पर बाकायदा परिचर्चा हो रही है, कोर्स बन रहे हैं, परीक्षाएं हो रही हैं, डिग्रियां दे रही हैं, पीएचडी हो। वो क्यों? वह इसलिए हो रहा है कि हम उन महीन तंतुओं की जांच करें, उसको समझने की कोशिश करें जिसको आज तक हम फौरी तौर पर देखते आए हैं कि महिला तो यूं ही पीछे रहती है और हमने यूं ही मान लिया बिना किसी वैज्ञानिक कारण के, किसी तार्किक आधार को, कि हमने अपने परिवार में पैदा होने वाली बच्ची को, अपने साथ रहने वाली अपनी पत्नी को, जिससे पैदा हुए हैं उस माँ को, उस अपनी जितने भी महिला सदस्य हैं सबको हमने कमतर क्यों आंका, सम्मानित किया, सम्मान दिया, विभिन्न संस्कृतियों में वो सब किया, लेकिन अधिकारों के मामलों में हमने क्यों कम आंका। तो जब दोनों का अध्ययन होगा तो उन परिस्थितियों में हम उन महीन बिंदुओं को जान सकेंगे, और वो तब केवल केवल अकेडमिक ऐसे विषयों में पढ़ाई के कारण हम नहीं जान पाएंगे। उसके लिए हमें शोध और अध्ययन की आवश्यकता होगी, जिसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा और बार बार सामाजिक विज्ञानों में बार बार हमको अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, समस्याओं का निराकरण होगा, तो जाके हम इस परिस्थिति में हम तर्क विकसित कर पाएंगे, हम तर्क विकसित कर पाएंगे, उसकी वैज्ञानिक उसका विश्लेषण कर पाएंगे, और हम इस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमसे यह कमियां पीछे रह गई जो आगे नहीं होनी चाहिए। तो इन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता महसूस हुई, और इसकी आवश्यकता तो महसूस हुई, अगर इसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो यह पूरी दुनिया के लिए उपयोगी होगा। उपयोगी इस सेंस में होगा कि एक तो पहले दुनिया से असमानता कम होगी या ख़त्म होगी, असमानता संबंधी समस्याएं अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो ख़त्म होंगी, या परिस्थिति बस उत्पन्न होती है असमानता जिसकी वजह से समाज में किसी प्रकार की परेशानी खड़ी होती है, तो हम जब इस पर अध्ययन कर लेंगे, शोध कर लेंगे, तो उन कारणों को पहचान लेंगे, तो उनका निराकरण हम शीघ्र कर लेंगे। इन परिस्थितियों को जानने के लिए इसको पढ़ना हमको ज़रूरी है, इसकी उपयोगिता हमें आवश्यक है। अब आगे देखते हैं क्या है, हम इस आज के लेक्चर के अंतिम चरण में हैं। हमने आज आप से जो चर्चा की उसका मुख्य विषय था कि जो दुनिया में महिला पुरुष के बीच असमानता, निर्णय की शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व, अंचल से अंचल, देश से देश, पूरी दुनिया में अंतर पाया जाता है, जबकि वह जैव शारीरिक लक्षणों के आधार पर महिला पुरुष दोनों एक तरह के हैं, लेकिन कहीं अधिकार ज़्यादा हैं महिलाओं को, कहीं कम है। उसको केंद्र में रखकर हमने आपसे चर्चा की, चर्चा में हमने यह जानने का प्रयास किया कि यह अध्ययन कब शुरू हुआ और किसके द्वारा, किसके यहाँ से शुरू हुआ, जिसमें हमने बात की आपसे सीमेन दबुआ और कैट मिलेट की। सर्वप्रथम यही लोग हैं जिन लोगों ने 1960 से लेकर और 70 के दशक में महिला अध्ययन को केंद्र में लाया, वह विशेष रूप से साहित्यिक क्षेत्रों में। उसके बाद इन बिंदुओं की पहचान एक अकादमिक क्षेत्र के रूप में हुई और यूरोप तथा अमेरिकी उच्च संस्थानों में इसमें स्त्री अध्ययन शुरू हुआ, जो बाद में जाकर 1990 के दशक आते आते पुरुष अध्ययन में हुआ। जब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हुआ तब जाकर एक नए विषय के रूप में जेंडर
संबंध अध्ययन के रूप में एक नए विषय का इजाद हुआ जिस पर काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी शोध हो रहा है। निश्चित रूप से उस विषय के अध्ययन से हम उन महीन बिंदुओं को जान पाएंगे जिसकी वजह से असमानता थी और जिसकी वजह से असमानता खत्म होगी। इस पर शोध की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञानों में शोध की आवश्यकता है। उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में दोनों तरह की या तीसरे जेंडर की भी जो महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर है, तीनों जेंडर की व्यक्ति के रूप में उसकी भी समाज में उपस्थिति है। इन तीनों जेंडर्स को हम समाज की मुख्य धारा में लाएं, उसकी क्षमताओं का प्रयोग करें और केवल किसी देश और किसी अंचल और किसी संस्कृति और समाज तक नहीं, पूरी दुनिया की समस्याओं के निराकरण में हमको एक नए विषय के रूप में, नए चैलेंज के रूप में, नए चुनौती के रूप में हमने इसको स्वीकार किया। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि यह विषय जो है वह इस नाते बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विषयों की अपेक्षा में, समाज विज्ञान के और विषयों की अपेक्षा में। अब हम यह मान के क्यों चलते या सदियों तक यह मानते रहे कि फला जेंडर, फला व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो अधिकार संपन्न है। इसके पीछे एक हर समाज में उसकी शारीरिक क्षमताओं माने शक्ति को आधार बनाया गया कि जो कठिन काम है, श्रम साध्य काम है, युद्ध लड़ने का काम है, झगड़े करने का काम है, यह काम पुरुष वर्ग करता है। लड़ाइयाँ महिलाओं ने भी लड़ी हैं, भारत में लक्ष्मीबाई ने लड़ी हैं, विशेष परिस्थितियों में महिलाओं ने भी युद्ध में किया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इनकी चर्चा है, लेकिन उस तरह की भागीदारी नहीं रही। तो हमने उनकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर उनको विशेष काम के लिए समाज से किनारे कर दिया। अब किया तो किसी शारीरिक क्षमता में कि श्रम साध्य कार्यों में महिला की भागीदारी कम होनी चाहिए, वो तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसी को आधार बनाकर हमने उसके अधिकारों को भी बाधित किया, उसकी शिक्षा को भी बाधित किया और उसके तमाम ऐसे क्षेत्रों को भी जो अंतर अनुशासनिक हैं, जो दूसरे विषयों से जुड़ते हैं, उसे भी बाधित किया। ऐसी परिस्थिति में जब हम इसका विशद अध्ययन करेंगे तो जान पाएंगे कि किन कारणों से ये असमानता थी, पक्षपात था और अभी भी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, किन्हीं किन्हीं देशों में है, वो हमारे देश में भी कमोबेश है, तो उनको समाप्त कैसे किया जाए, यह दोनों बात उसी शोध और अध्ययन में पता चलेगी। तो उसके लिए हमें अपने टीचर एजुकेशन में, अपने सामान्य अध्ययन में अपने बच्चों को छोटी कक्षाओं से जागरूक करना पड़ेगा कि यह दोनों का छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षाओं से लेकर और उच्च शिक्षा तक हमको यह जानने, समझने और समझाने की आवश्यकता है, शोध और अध्ययन करने की आवश्यकता है कि किस तरह दोनों में समानता आए, ताकि जो सबसे मौलिक कारण है वो ये है कि दोनों तरह की या तीनों तरह की ऊर्जा का प्रयोग हम दुनिया की एक दुनिया में एक समरस और सौहार्दपूर्ण समाज, उन्नतशील समाज, प्रगतिशील समाज जिसमें समस्याएं कम हो या नहीं हो, अगर हो तो उनका निराकरण जल्दी हो, मतलब प्रगतिशील समाज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें यह अध्ययन किस तरह कार्य करेगा, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की। धन्यवाद। आज की कक्षाएं समाप्त होती है, अगली कक्षा में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।